राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और एएपी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव करके दिखाएं। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, नहीं तो मान ले कि वे हार गए और डर गए। केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव से पहले एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देने की घोषणा करेंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। केजरीवाल ने कहा, मैंने कल टीवी पर एग्जिट पोल देखा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की डबल इंजन सरकारें खत्म हो रही है। पहला इंजन जून में फेल हुआ था जब उन्हें 240 सीटें मिली। झारखंड और महाराष्ट्र में भी यही होगा, तब दूसरा इंजन भी फेल हो जाएगा। डबल इंजन सरकार का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली में आकर ये भाजपा कहेंगे कि डबल इंजन सरकार बना लो। आप तब पूछना कि 10 साल हरियाणा में डबल इंजन सरकार रही, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि लोग उनके नेताओं को अपने गांवों में नहीं जाने दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, यूपी में पिछले 7 साल में डबल इंजन की सरकार है, लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें आधी हो गई है। मणिपुर में भी 7 साल से डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर 2 साल से जल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा गरीब विरोधी है। उन्होंने दिल्ली में बस मार्शलों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों को हटा दिया, होमगार्डों का वेतन रोक दिया। दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है, एलजी राज है। हम दिल्ली को एलजी राज से मुक्त कराएंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।